हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? आज बहुत एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे कि व्हाई आई डोंट रिकमेंड फेक एक्सपीरियंस स्पेशली इन क्यूए। गाइस, मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्यों मैं स्पेशली लोगों को रिकमेंड नहीं करता फेक एक्सपीरियंस के बारे में। राइट, इसका क्या रीजन है? क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो है ना वो बहुत पूछते हैं कि सर फेक एक्सपीरियंस कैसे मैनेज करें, फेक एक्सपीरियंस कैसे लें, राइट, फेक एक्सपीरियंस को कैसे कर सकते हैं, कितने साल का फेक एक्सपीरियंस डालू, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता था, तो मैं बताता हूँ आपको कुछ सिनेरियोस जो मैंने खुद देखे हैं। देखो, मेरा काम है आप लोगों को बताना। देखो, टू बी ऑनेस्ट, जो लाइफ है ना, मैं आपको सच बताता हूँ, लाइफ ना ना व्हाइट है ना ब्लैक है, वो एक्चुअली ग्रे है। तो बहुत सारे ऐसे फेक लोग भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं क्यूए में, डेवऑप्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो भी अच्छा कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रॉपरली गए हैं, भाई पे कट्स पे गए हैं, विदाउट फेक एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो आराम से इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ रियल एग्जांपल्स क्विकली मैं आपको बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से बताता हूँ कि क्यों मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, प्रमोद सर विल नेवर रिकमेंड, टू बी ऑनेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आई हैव सीन, अभी आपने रिसेंटली भी सुना होगा, एसेंचर ने बहुत सारे फेक एक्सपीरियंस, फेक लेटर्स वालों को, फेक डॉक्यूमेंट्स वालों को फायर करा है। राइट, आपने आई थिंक ये सुना भी होगा। और मैंने अब थ्रू आउट माई 11 years ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने बहुत बार देखा है लोगों को मल्टीपल टाइम्स गेटिंग फायर्ड इमीडिएटली, अरे एकदम से ही फायर हो जाते हैं वो लोग। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल बताता हूँ। तो मेरा एक जूनियर था, ठीक है, जूनियर बेसिकली हमने ही हायर किया था उसको एज ए क्यूए, ठीक था, ठीक कर रहा था। विद इन 1 week बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ, जिसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स पता लगे और डॉक्यूमेंट्स फोर्स थे, नकली थे, फेक एक्सपीरियंस था, पूरा कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। राइट, इमीडिएटली फायर्ड हो गया। कंपनी प्रीवियस टू प्रीवियस कंपनी जो थी, उन्होंने सीरियस एक्शन लेके ब्लैकलिस्ट भी किया। अब ब्लैकलिस्ट में जो मुझे पता चला कि ब्लैकलिस्ट में क्या है कि बहुत सारी एमएनसीज के अंदर उसको अलाउड नहीं था, जनरली एचआर ने उसको पकड़ लेते थे। आई मीन दिस इज रियल थिंग आई एम टेलिंग। अब ये भी हो भी सकता है कि ये अब नहीं होता हो, ठीक है, लेकिन यस आई हैव सीन, मैंने देखा है उस बंदे को रोते हुए, ठीक है, बहुत परेशान होते हुए, स्ट्रेस लेते हुए फेक एक्सपीरियंस का कि वी फेक एक्सपीरियंस पकड़ा गया। राइट, और बहुत अजीब होता है करियर में स्पेशली। तो मैं जनरली इसलिए रिकमेंड नहीं करता, ये एक वन सिनेरियो नहीं है, मैं आपको दूसरा भी बताता हूँ जिसके अंदर प्रॉक्सी हायर और फेक एक्सपीरियंस था। उसके अंदर एक बंदा हायर किया था, मैं प्रीवियस टू प्रीवियस कंपनी की बात है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें बंदा हायर हुआ, फेक एक्सपीरियंस लगा रखा था, सब कुछ था, प्रॉक्सी हायर था, मतलब प्रॉक्सी इंटरव्यू था, इंटरव्यू किसी और ने दिया, बंदे ने ज्वाइन किसी और ने किया, और इमीडिएटली फायर हो गया विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर फायर था वो बंदा, हमें मिलने को तक नहीं आया, कहाँ गया वो बंदा। ठीक है, हमें पता लगा कि उसने मेडिकल इमरजेंसी से कुछ डाला, बाद में पता लगा, उसने खुद बताया मुझे प्रमोद मेरे को फेक एक्सपीरियंस मेरा पकड़ा गया, और ये चीज है। बहुत बार मैंने देखा है, मैं आपको पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं प्रॉक्सी हायर्ड जो होते हैं फेक एक्सपीरियंस वाले, और बहुत क्राइंग होती है और बहुत स्ट्रेस लेवल होता है। राइट, इसलिए मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ फेक एक्सपीरियंसेस को। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपको फेक एक्सपीरियंस कैसे मैनेज करना है, फेक एक्सपीरियंस कहाँ करना है, वो मिल जाएंगी। पर मैं आपको ना सिंपल बताता हूँ, एक रियल एग्जांपल में बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन विंगीफाई, राइट, तो बहुत सारे 2-3 QAs हमने भी हायर किए थे जिनके पास करियर गैप था, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था पर उनके पास नॉलेज थी, तब भी हमने उनको हायर किया था। तो ऐसी कंपनीज बहुत है इंडिया में जो आपको, अगर आपके पास करियर गैप है, स्पेशली मदर्स, स्पेशली जो लेडीज होती है, राइट, उनका करियर गैप मेडिकल रीजन की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से आ जाता है, राइट, तो वो लोग फेक अप्लाई जरूरी नहीं है, मैंने देखा है बहुत बार करियर गैप के बाद उनको मिल जाता है। ठीक है, अब देखो दुनिया, मैंने आपको बोला ना व्हाइट है ना ब्लैक है, वो एक्चुअली ग्रे है। राइट, ग्रे बेसिकली मींस यहाँ पे दोनों तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रमोद सर विल नेवर रिकमेंड, ये तो ट्रू है, पर आपको अगर लगता है कि हाँ किसी का भला हो रहा है, किसी को जॉब लग रही है, तो आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो, मुझे तो इसमें कोई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जो मैंने खुद देखा है ना, मैं आपको फीलिंग से बता रहा हूँ कि बहुत बार जो मैंने खुद देखा उस बंदे की आंख में जो रो रहा था, राइट, ब्लैकलिस्टेड हो गया, कंपनी उसको एकदम से निकाल दिया, 2 दिन बाद जॉब नहीं है, आई मीन जब उसने ज्वाइन किया तो बहुत खुश था, एकदम से इमीडिएटली पकड़ा गया एक्सपीरियंस। राइट, कहीं होगा नहीं पकड़ा जाता, बहुत सारे ऐसे मैं अभी भी नॉन कुछ लोगों को जानता हूं जो कि जिनका एक्सपीरियंस कभी फेक पकड़ा ही नहीं गया। राइट, और अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा भी किया, तो किस्मत किस्मत की बात है। बट आई थिंक आई गॉट द पॉइंट कि जनरली मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने चीजें देखी हैं और मेरे हिसाब से वो ये चीज मुझे तो ठीक नहीं लगती। मुझे से लगता है कि अगर आप सच के रास्ते पे चल रहे हो, मतलब थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स होंगी, पर मिल जाएगी जॉब, तो है कभी ना कभी तो मिल जाएगी। ठीक है, साइन ऑफ करता हूँ प्रमोद दत्ता, आई होप वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, पर देखो आप अपने लाइफ के लिए बहुत समझदार हो, आपका अपना डिसीजन है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अच्छे में यूज होता है तो गो अहेड। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।